hello good afternoon everyone this is priyanka kala welcome you all in my youtube channel dear students today we are going to learn about nouns what is noun noun is a part in english grammar section first of all we have to know about the nouns as you are watching in the screen Noun means naming words. Dear students, do you know? Everything around us has a name. Right now, where are you sitting in your room, in your garden, or at any place? You can see there are various things around yourself. There are doors, windows, carpet, bed, sofa set. Curtains, bed sheets. Your there may be your pet, your father, your mother, or if you are in park, then there may be some swings. Uh, it may be that uh, beside your uh, position, there is a temple or church or any mosque, isn't it? Everything, everything has a particular name. A जहाँ पर भी अभी बैठे हुए हैं ना बेटा अभी आप अपने चारों ओर को देखिए आप देखेंगे कि आपके चारों ओर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जो मैंने अभी नाम लिए है ना इन सभी चीजों का कुछ ना कुछ नाम होता है है कि नहीं है आपके फादर हैं, मदर है आपका डॉग है आपकी साइकिल है आपके बगल में हॉस्पिटल हो सकता है कोई चर्च हो सकता है है ना बेड है सोफा सेट है बेडशीट, शीट करटे इन के एक नाम ही तो है

तो आप सभी के माइंड में डॉग की पिक्चर आएगी अब आप खुद सोचिए काऊ या एलिफेंट की पिक्चर नहीं आएगी डॉग की आएगी है ना अगर मैंने अभी कहा साइकिल तो अभी आप सभी के माइंड में साइकिल की पिक्चर आई मैंने कहा हॉस्पिटल आप सबने हॉस्पिटल के बारे में सोचा मैंने कहा बेबी तो आपके मन में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आपके माइंड में आया राइट मैंने कहा फादर तो एक फादर जैसी कोई पर्सनालिटी है ना कोई एडल्ट वो आपके माइंड में आया सिस्टर तो एक बहुत ही क्यूट सी और फनी सी गर्ल जो आपके संग मस्ती मजाक करती है ऐसी गर्ल आपके माइंड में आई जैसे सिस्टर्स होती हैं तो कहने का मतलब है हर एक चीज़ का हर एक पीपल का मतलब हर एक पर्सन का हर एक जगह का जैसे कि पार्क मार्केट हर एक एनिमल का और एक हर एक चीज का जो भी आपके चाहो एक नाम होता है और इन नामों से आपको एकदम से डिफरेंस पता चल जाता है कि आप या हम किस बारे में बात कर रहे हैं Therefore, we can say, all these names are noun. मतलब ये सभी जो भी ये नाम है वो सभी नाउन ही तो हैं। अब समझ में आया बेटा नाउन क्या है नाउन इज नथिंग एल्स नाउन इज अ नेमिंग वर्ड जो भी नेमिंग वर्ड होता है मतलब किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं क्या कहा मैंने दोबारा से सुनिए ध्यान से सुनिए किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं नाउन ठीक है सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन वी कैन एक्सप्लेन नाउन एज नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन अ प्लेस अ एनिमल और अ थिंग नाउन एक नाम है उस किस चीज का नाम है किसी पर्सन का मतलब किसी इंसान का नाम आपके घर में आपका अपना नाम भी एक नाउन है आपके सिस्टर का नाम नाउन है जैसे रवि आकाश मालिनी हरप्रीत अब्दुल ये सभी नाम जो हैं वो सभी नाउन है पर्सन में आता है एक तो आपका पर्टिकुलर नेम दूसरी बात पर्सन में आता है रिलेशन रिलेशन भी पर्सन में ही आता है जैसे कि मदर फादर सिस्टर एंट कज़िन नीज ये जितनी भी रिलेशन है हमारे चाचा चाची नाना नानी मामा मामी मम्मी पापा ये सब भी नाउन है ठीक है नेक्स्ट थिंग इज प्लेस प्लेस का मतलब जगह अब प्लेस में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा प्लेस में आता है सिटी का नाम जैसे कि रुड़की देहरादून दिल्ली गुजरात मतलब इसमें सिटी का नाम भी आता है और स्टेट्स का नाम भी आता है पर्टिकुलर जगह का नाम जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का नाम भी उसी में आता है इसके साथ मार्केट हॉस्पिटल चर्च पार्क ये सब चीज़ें भी आती हैं प्लेस में एनिमल्स में ओनली एनिमल्स ही नहीं एनिमल्स का मतलब है साथ में बर्ड्स और इंसेक्ट्स के नाम भी एनिमल में आएंगे और किसी भी थिंग्स का नाम जैसे कि कार हो गया स्कूटर बकेट सोफ़ा क्लोथ्स डोर विंडो ये सब भी नाउन है तो नाउन कितना बड़ा हो गया समझ में आ गया नाउन प्लेस अगर हम की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फादर है फादर के जो फादर ने बैठाया वह अपने साथ अपने बेबी को यानी कि चाइल्ड फादर टीचर है यहाँ पे नर्स दिख रही है आपको है ना यहाँ पे पोस्टमैन है यानि कि किसी भी जो रिलेशंस होते हैं या हमारे सोशल हेल्पर्स होते हैं जैसे मैंने नर्स कहा तो आपके माइंड में नर्स की जैसी पिक्चर आ गई तो ये सभी आते हैं पर्सनस में नेक्स्ट प्लेसेस में जैसे मैंने आपको समझाया था ये सभी हैं प्लेसेस स्कूल चर्च पार्क मार्केट ये सभी हैं प्लेसेस ये भी नाउन है एनिमल्स ये सभी एनिमल्स जो हैं ये भी नाउन हैं जितनी भी ये थिंग्स आपको दिख रही होंगी बेटा आप अपने चारों ओर वो सभी हैं क्लियर हुआ आप सबको नाउंस क्या होते हैं बेटा तो अब टाइम है एक्सरसाइजेस का मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज तो देखिए बेटा प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आप लोगों को अपनी नोटबुक में सबसे पहले तो लिखना है नाउन की डेफिनेशन पहला पॉइंट समझ में आया नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे डेफिनेशन के बाद जो आप स्क्रीन में अभी देख रहे हैं वो करेंगे नाउन इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ पर्सन परसन में क्या आते हैं नेम आते हैं रिलेशंस आते हैं प्लेसेज में सिटी और पर्टिकुलर प्लेस आता है एनिमल्स में बर्ड्स इंसेक्ट एनिमल्स आते हैं और थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं ठीक है बेटा तो आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है अब ये देखिए बेटा ये आपके लिए एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउन इसमें जो भी नाउन है उसको आपको अंडरलाइन करना है जैसे फर्स्ट वन इज माई एंट इज गोइंग टू द मार्केट शी इज प्लाइंग प्लेइंग विद बॉल थर्ड वन इज द बेबी इज क्राइंग फोर्थ वन इज़ दिस केक इज़ वेरी टेस्टी नेक्स्ट इज़ आई लाइक टू गो टू द स्कूल सिक्स इज़ आई लिव इन रुड़की सिक्स सेवंथ इज दिस इज़ माई अलमायरा तो ये टॉ इसमें आपको सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने हैं और उनमें जो भी नाउन आपको दिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर रहे हैं तो देखिए अगर हम फर्स्ट वन की बात करें माई एंट इज़ गोइंग टू द मार्केट अब आप खुद सोचेंगे इसमें नाउन कौन कौन है तो मैं आपको पहला बता देती हूँ बाकी आप लोग अपने आप करेंगे तो इसमें पहला वाला है ए यू एन टी एंट एंट मतलब आपकी चाची है ना मामी कोई भी आ सकती है तो एक तो एंट हो गया नाउन और दूसरा नाउन हो गया इसमें मार्केट वो भी एक नाउन है तो इसमें दो दो नाउन है ए एंट भी है और मार्केट भी है मार्केट प्लेस वाला नाउन है और तो जो एंट है वो पर्सन वाला नाउन है तो एक स्टेटमेंट पे

पर्सन भी नहीं है है ना तो क्या है ये बताइए प्लेसेस भी नहीं है ये थिंग्स है तो इसके आगे बेटा आप लोग लिखेंगे थिंग्स समझ में आया उसी तरह से जैसे ये थिंग्स है सेकंड वाले को आप देखेंगे ये कौन से में आता है पर्सन है एनिमल है थिंग्स है या प्लेस है तो सेकंड वाला जैसा आप देख रहे हैं एनिमल है ये सारे के सारे एनिमल्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप एनिमल ठीक है तो बस आपको ग्रुप्स के नाम लिखने हैं बेटा इनके आगे तो चलिए Uh, कैसा लगा आपको मेरा नाउन वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर किया ही होगा आपने थैंक यू एवरीवन बाय बाय